वाह जी वाह, शर्ट का रोल ही हुआ है। वो कहते हैं मेरे बटन आगे रखे हुए थे, आपने देखा होगा, वो कहते हैं बटन पीछे रखने हैं। शुक्र ही हो गया मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज वीडियो का आगाज़ हम कर रहे हैं जी बड़े दूर से। मैं पहुंच गया रबात और रास्ते में इधर रुका था क्योंकि मुझे आ गई थी जी टट्टी। पिछले व्लॉग्स मेरे देख रहे हैं तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। मैं गया था जी डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए और आज की अपॉइंटमेंट लिए, तो आज ट्रीटमेंट कराना है। मेरा नी को इशू चल रहा था। फिलहाल क्रिकेट भी खेलते हैं, ये साल मैंने रेस्ट किया है। तो ये बस पापा और वो गाड़ी खड़ी है, वेट कर रहे हैं मेरा। मैं होटल अभी इधर से निकलेंगे इंशाल्लाह घंटे तक और पहुंच जाना है, फिर वहाँ पे ही आपको डायरेक्ट मिलते हैं। टी चौक में खड़े हैं और मेरा फेवरेट होटल आ गया यहाँ पे जी, चेक करें पेशावर जायका। यहाँ की चाय जो है ना, हाय हाय हाय, जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ ना, अगर पिंड इस्लामाबाद आना हो तो यहीं पे रुकते हैं। इधर की चाय और बन्नू जो बीफ पुलाव है ना, वो बहुत ही मज़े का है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 10 बजे तक आप पी सकता हूँ, 10 बजे तक, और 7 बजे के बाद कुछ खा भी नहीं सकता। अभी 10 बजे तक अभी हम खा रहे, कुछ पी सकते हैं वो भी सिर्फ पानी है। तो मम्मी पापा और आगे इनको चाय चाय पीनी है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास हमारा टाइम जो है ना वो था 11 बजे और हम पहुंच गए हैं 10 बजे, घंटा जल्दी पहुंच गए। तो कुछ देर इधर स्टे करेंगे और फिर मिलेंगे हॉस्पिटल में। A few moments later. बड़े अफसोस के साथ हमें ना चाय मिली है ना कुछ खाने को मिला, क्योंकि कह रहे थे अभी स्टार्ट किया, अभी होटल खोला है तो 11 बजे स्टार्ट करेंगे। तो अभी आगे जाके देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। ओहो, साथ में ATM से माल शाल भी चाहिए, अभी हम निकलवाएंगे माल शाल ATM से। माल आ गया, माल आ गया, माल आ गया जी, माल आ गया। एक बार फिर माल निकलवाना पड़ेगा, एक बारी में सारा माल ही निकलता है जी, अभी फिर दूसरी बार निकलवाना पड़ेगा। पेन पेन पेन, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर यार, टाइम नहीं आया, जल्दी करो। कोरे कोरे नोट आ रहे हैं, कोरे कोरे। यूट्यूब इनकम भी आ रही है, जल्द सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। तो जी वो होटल तो बंद था, अभी पैसे जैसे निकलवा के अब दूसरे होटल पे जाएंगे। साथ ही होटल है, उसी होटल के साथ है, वो होटल वहाँ पे है और ये उसी के साथ होटल है। तो यहाँ पे मम्मी पापा हैं, वो चाय पी रहे होंगे, तो पैसे जैसे निकलवा लिए, मैं तो खा भी नहीं सकता। हॉस्पिटल हम पहुँच गए हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो भी है ना ट्रीटमेंट वो हम स्टार्ट करेंगे 1 बजे। अभी 10 हुए हैं, अभी बस कुछ पेपर वर्क करना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह 1 बजे जो है ना वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा यार, सब कुछ कामयाब और दोबारा क्रिकेट में वापसी हो कि भाई जान, क्रिकेट में इंशाल्लाह अल्लाह हैर करेगा वो वापसी होगी और फिर इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा। बुरा वक्त आता रहता है, स्पोर्ट्स में जो इंजरी है यार बंदे को बड़ा ना बड़े मुश्किल होती हैं, लेकिन अभी हम पहुँच गए इंशाल्लाह, अभी अल्लाह हैर करे इंशाल्लाह जल्द आपका भाई क्रिकेट में भी वापसी करेगा और बेहतरीन इंशाल्लाह, पहले से भी बेहतर होगा। हम तो वक्त पाबंदी से पहले पहुंच गए हैं यहाँ पे, अभी टाइम हो गया 10:30, 10:30 हम अस्पताल पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था हमें 11 बजे आने का, लेकिन जो डॉक्टर साहब खुद हैं वो आएँगे 1 बजे, तो तभी जा कर ट्रीटमेंट शुरू होगा इंशाल्लाह। तो अभी बस इंतज़ार ही करना है। बस ये अभी टाइम हो गया 12 बज गए हैं, तो ये कमरा शमरा लग गया आपके भाई को, बाकी इंशाल्लाह घंटे बाद कमरा लग गया। अभी सोशल गई है, मैंने कहा यार पहले मैं वॉशरूम से होता हूँ, फिर लगाते रहना जो भी लगाना। डॉक्टर साहब ने मना किया लेकिन मेरा इतना दिल कर रहा है कि कुछ खाया जाए, भूख लग गई अभी सख्त। चलो अभी 2-3 घंटे भूखे भूखे रह रहे हैं, समझो रोज़ा रखा हुआ। तो ये सीन है सारा, लग गया जी कनोला, अभी लगनी है बॉटल। अभी मुझे भेज दिया गया इस रूम में, ये कहते हैं कि ये कैदियों वाले कपड़े पहन लो, अब ये कपड़े पहने फिर देखना अभी भाई के लुक चेक करना। चेक करो जी भाई आपके ने पहन लिए कपड़े ये रहे बहुत खुले हैं, ये तो सही वैसे फुल रिलैक्स माहौल है। ये जनानी वाला पजामा दे दिया मुझे बहरहाल यही चलेगा चलो बाकी अब अल्लाह खैर करे।
इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अब ट्रीटमेंट के बाद, दुआ कीजिएगा। वाह जी वाह, शर्ट का रोल ही हुआ है। वो कहते हैं मेरे बटन आगे रखे हुए थे, आपने देखा होगा, वो कहते हैं बटन पीछे रखना है, शुगल ही हो गया मेरे साथ। Six hours later. अभी अभी हो जाए, लेकिन पूरी हो नहीं आई। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, भाई का आपके का ऑपरेशन शपरेशन हो गया जी। आप लोगों से मेरी बात हो रही है अगले दिन, क्योंकि कल तो मैं रहा हूँ अभी होश, फुल टाइम टून, क्योंकि वो मुझे दवाई लगाते रहे ट्रिप वगैरह जिससे बंदा जाता है सो, और पेन किलर भी अभी लगाई है, और अभी फिर एक ट्रिप लगी हुई है। तो बाकी है कि इंशाल्लाह अभी पेन तो है टांगों में, नी सर्जरी सी तो डन हो गई है जी, अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ अच्छा हो गया। अब बाकी रिकवरी विद इन टाइम ही होनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हॉस्पिटल से हो गया हम फ्री, सारा अल्लाह का शुक्र है काम हमारा अच्छे तरीके से हो गया। और अभी मैं बैठूँ गाड़ी में, ये इनका मसला था, इनका सर्जरी हो गई है, और अभी इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे। और मुझे उन्होंने लाया भी व्हील चेयर पर है, और तो बस उठना छुटना भी बैठना मुश्किल है, बस थोड़े दिन ऐसे ही गुजरेंगे, फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह एक दिन भागना भी स्टार्ट करेंगे। बस आप सब भाइयों की दुआ चाहिए, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह वापस क्रिकेट के मैदान में आप ज़रूर देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। तो जी आज के व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, एंड और साल एंड करते हुए आपको दिखा दूँगी, अभी 2 वीक जो है ना क्रचेस पर ही रहना है, क्योंकि इनकी स्पोर्ट से चल रहा है, और टांगों पर इतना वजन ही डालना अभी डॉक्टर साहब ने कहा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी जल्द आएगा, और रिकवरी प्रोसेस भी मतलब कि जो भी है वो भी आपको दिखाते रहूँगा साथ साथ। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कर दें।